को यहां से स्टार्ट करते हुए लेके जाना है और कब तक लेके जाना है जब तक मुझे रीडिंग कितनी ना मिल जाए फोर्थ सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स मैं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल फ्रेंड्स आज जो एक्सपेरिमेंट है वो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर नाइन स्टार्ट करने वाला और यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले ऑफ द यूजिंग अ कैनविन मैथड ठीक है कैलोन मेथड का हेल्प करके हम गैलोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले हैं ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स इस पर इलेवन ट्वेल्व से रिलेटेड सारी प्रैक्टिकल्स प्रेजेंट है आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए काफी मायने रखता है क्योंकि आपका एक सपोर्ट काफी मायने रखता है सो so, चलो मैं एक्सपेरिमेंट आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये वन ऑफ द एजेस एक्सपेरिमेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा दूसरी चीज ये कि आप सब्सक्राइब करके अगर इस चैनल को रखेंगे तो एग्ज़ाम में जो भी रिलेटेड आपको डाउट रहेगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ के आप तुरंत आंसर पा सकते हैं ठीक है ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में थर्ड

सो so, लेकिन आजकल की दुनिया ना काफ़ी एडवांस हो गई है ठीक है उसमें मतलब एडवांस में क्या है कि अगर आपके पास से मल्टीमीटर है वो ना तो आप ये तुरंत इसके वैल्यू चेकआउट कर सकते हैं जैसे कि मैं इतना बड़ा प्रैक्टिकल करने के पहले ही इस मल्टीमीटर का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ पहले इस गैलोमीटर के रजिस्टेंस को क्या कर सकता हूँ आउट कर सकता हूँ तो इसके लिए आपको करना क्या रहता है आपको इसको वोल्ट में लगाना है रेड वाले को और ब्लैक वाले को किस में लगाना है कॉम में लगाना है ये है आ, आपको इसको किस पे सेट करना 200 हंड्रेड ओम्स पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि डायरेक्टली कि हम डायरेक्टली मतलब एक तो चिटिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन आप जस्ट ऐसे समझिए कि डायरेक्टली हम लोग एस एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आपको क्या करना आप, आपको ये दो दो टर्मिनल दिख रहे होंगे दैट इज़ पॉजिटिव और ये क्या होता है नेगेटिव ठीक है सो so, मैं इसको पॉजिटिव में रखूँगा और इसको कहाँ रखूँगा नेगेटिव में रखूँगा ठीक है अब इसको रखने के बाद आप आप यहाँ पे एक वैल्यू देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है लेकिन एटलीस्ट 53 कितना आ रहा है 53 तो ये फिफ्टी थ्री क्या रिप्रेजेंट करना पता है ये गैलोनामीटर का क्या है रेजिस्टेंस है तो मैंने इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम क्या कर सकते हैं तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन हम गैलोनामीटर का फाइंड आउट करेंगे लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे बाई कैलवेंस मैथड मतलब ये सारे एफरेटिस का यूज करके हम लोग इस टेक्निक से क्या करने वाले इसका फाइंड आउट करने वाले देखने वाले फिफ्टी आता है कि नहीं पता चल गया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है फिफ्टी है ठीक है सो मैं क्या करूँगा कुछ वैल्यू थर्टी लूंगा मतलब इस इस रेजिस्ट, आ, रेजिस्टेंस बॉक्स में से थर्टी फाइव वेरिएबल करूँगा वे, फिर थर्टी फाइव फिर फिफ्टी फाइव निकालूंगा ठीक है और फिर एक सिक्सटी या सेवेंटी तक निकाल दूंगा तो मैं 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 बेसिकली क्या रखा हूँ पता है मैं फिजिक्स में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ कर रहा हूँ मतलब तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है रजिस्ट्रेंस की फिफ्टी थ्री है तो मैं 35, एक थर्टी फाइव एक फिफ्टी फाइव और एक सेवेंटी निकालूंगा तो ये सब वैल्यू एक दूसरे के बीच में ना फिफ्टी फाइव के एक्स तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे रीडिंग बहुत ही एक्यूरेट मिलेगा और मुझे एग्ज़ाम में थर्टी आउट ऑफ थर्टी मार्क्स लाने से कोई नहीं रुक सकता है ठीक है सो चलो मैं फटाफट प्रैक्टिकल क्या करता हूँ स्टार्ट करता हूँ और आपको ऐसे एग्जाम में ना छोटे छोटे ट्रिक लगाने रहेंगे और आपको ये प्रैक्टिकल करना होगा आपको एक गैलोनीमीटर दिख रहा है ठीक है ये होता है आपका गैलोनामीटर ठीक है गैलोमीटर में इस साइड भी थर्टी तक होता है और राइट हैंड साइड भी क्या होता है थर्टी तक होता है ठीक है गैलोमीटर किससे कनेक्टेड है तुम्हारा जो मीटर ब्रिज है मीटर स्केल है इससे ए टर्मिनल से कनेक्ट है इस इस ट्रिप को देखो इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप और ये आपका ए टर्मिनल है और इसको बोलते हैं राइट गैप और ये आपका क्या है, तो है सी टर्मिनल है और ये बीच वाला क्या है आपका बी टर्मिनल तो इधर आपका क्या कनेक्ट है गैलोनामीटर

बी वाला पार्ट आपको कनेक्ट होगा जॉकी को किसको कनेक्ट होगा जॉकी को तो बी वाले पार्ट से देख रहे हैं ये जॉकी का मेरे पास वायर है ये जॉकी है तो मैं बी वाले पार्ट से क्या कर दूंगा यहाँ पे जॉकी को कनेक्ट कर दूंगा फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस बॉक्स इसके दोनों टर्मिनल्स में मैंने सी वाले स्टिप को क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया आप देख रहे हैं ये दोनों को अब नेक्स्ट क्या है सी वाले पार्ट से आपका कनेक्ट है रेहोस्ट्रोट रे सी वाले पार्ट से आपका क्या कनेक्ट है रेहोस्ट्रोट तो मैं ये देखिए ये सी वाला पार्ट है और इस सी वाले पार्ट से मैं क्या कनेक्ट कर दूंगा रेहोस्ट्रोट का एक वेरिएबल ठीक है ये आपका वेरिएबल होता है ठीक है ठीक है सी वाले पार्ट से आपका क्या कनेक्ट हो जाएगा वेरिएबल ठीक है अब वेरिएबल का जो दूसरा एंड तो है ये तो दोनों आम कॉमन है रिहोस्टोट का जो दूसरा आम है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा बैटरी की के की टे तो ये तो दूसरा पार्ट मैंने किससे कनेक्ट कर दिया आप देख रहे होंगे की से की का जो दूसरा पार्ट है अगला पार्ट है वो किससे कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से देख रहे हैं ये की का जो अगला पार्ट है मैंने किससे कनेक्ट कर दिया बैटरी के देख रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है क्या ये नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा वो तुम्हारे ए से कनेक्ट हो जाएगा तो ये तुम्हारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये किससे कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ए से कनेक्ट हो जाएगा अब ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम है एक बार और मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ठीक है ये गैलो है गैलोमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ए से कनेक्ट होगा बी पार्ट जॉगरी से कनेक्ट होगा सी पार्ट जो है वो दोनों के दोनों आपके रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड होंगे और सी पार्ट का जो लास्ट वाला स्ट्रिप है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा किससे रियल स्टोड के एक आर्म से वेरिएबल से और यहाँ पे दो आर्म्स होते हैं जो दूसरा वाला आर्म रहेगा वो आपके की से कनेक्टेड हो जाएगा की वाला पार्ट आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको ए वाले पार्ट मतलब लेफ्ट वाले स्टिप से क्या हो जाएगा वो कनेक्ट हो जाएगा ये मीटर ब्रिज की आपको स्केल दिख रही है ये हंड्रेड तक है और उस पर एक वायर होता है क्या होता है इस पर एक वायर होता है और उसी वायर पर ना इस जॉकी के पॉइंट्स को ना इसी वायर पर रख के ना आपको रीडिंग निकालनी रहेगी ठीक है तो चलो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे अब यहाँ पे एक वर्ड होता है दैट इज नल डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन होता क्या है हाँ सो so फ्रेंड्स ये ये होता है गैलोनोमीटर और गैलोनोमीटर पे आप देखते हैं यहाँ पे थर्टी टेन ट्वेंटी और यहाँ पे ज़ीरो होता है फिर टेन ट्वेंटी थर्टी और यहाँ पे एक सुई होती है ठीक है तो अगर ये जो हमारी स्ट्रिप है ठीक है ये अगर जीरो को कनेक्ट हो जाए तो इसी को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं इसी को नल डिफ्लेक्शन ठीक है हम यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू सेट करेंगे रियल स्टोर्ट की हेल्प से कि ये सुई को अगर मैंने टेन पे सेट कर दिया किस पे किस पे सेट कर दिया टेन पे सेट कर दिया तो मुझे जॉकी को क्या करना पड़ेगा उस जो हमारे मीटर ब्रिज का जो वायर है उस पर लेके जाना रहेगा सो अगर ये हमारा जो सुई है अगर ये वापस टेन पे आ जाती है तो ये हमारा नल डिफ्लेक्शन शो करने लगता है क्या शो करने है आप समझिए पहले क्या होता है नल रिफ्लैक्शन हमारा ज़ीरो पे होता है जीरो को हम लोग नल डिफ्लेक्शन करते हैं लेकिन हम अगर हम इसके रिहोस्टोट रिहोस्टोट की हेल्प से अगर मैं इस सुई को जीरो पे ना सेट करके टेन पे सेट कर दिया ट्वेंटी पे सेट कर दिया तो अब हमारा ट्वेंटी क्या हो जाएगा नल डिफ्लेक्शन ट्वेंटी क्या हो जाएगा नल डिफ्लेक्शन अब ये नल डिफ्लेक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब जॉकी को मूव करूँगा वायर के ऊपर से मीटर ब्रिज के ऊपर से तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी सुई रहेगी ना वो जीरो और टेन पे आ जाएगी चाहे ट्वेंटी पे जहाँ पे भी मैं सेट करूँगा वहाँ पे आ जाएगी ना तो ये आपका नल डिफ्लेक्शन होगा और वही आपको रीडिंग क्या करनी रहेगी नोट करनी रहेगी वही आपको लेंथ क्या करना रहेगा नोट करना रहेगा तो मैं करके दिखाता तो हूँ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको आपको कभी भी सर्किट ऑन करना है तो आप हमेशा ना रजिस्टेंस बॉक्स से कोई रजिस्टेंस निकाल के रखिए अदरवाइज कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम ठीक है और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता बताऊँ यहाँ पे क्योंकि एक एक प्रैक्टिकल्स करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो आप भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए तो चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको आ, अब आपको क्या करना है मैं यहाँ पर स्विच ऑन करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर स्विच ऑन करूँगा ये करंट यहाँ से सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अभी करंट यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या क्या यहाँ पर क्लोज़ किया अभी अभी देखो मैंने यहाँ पे की पॉड जैसे क्लोज़ कर लूँगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ये स्टार्ट हो जाएगा सो फिर मैंने यहाँ पे फोर्टी क्या क्या रिमूव किया है ठीक है सो आप देख रहे हैं ये नल डिफ्लेक्शन कहाँ दिखा रहा है थर्टी के पार दिखा रहा है थर्टी के पार दिखा रहा है और मैं इसको थर्टी के पार दिखा रहा है मैं इसको चेकआउट भी कर लेता हूँ तो इसको चेकआउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सो इसको चेकआउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ठीक है आपको दोनों इंड पे इसको टच करना पड़ता है जैसे आप इस इंड पे टच करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन गलोनीमीटर का एकदम उधर दिख रहा का डिफ्लेक्शन कहाँ दिखाएगा देख रहे एक साइड दिखा रहा है अगर मैं जॉकी को भाई दूसरे साइड टच करूँ तो आप देख रहे होंगे ठीक ठीक वो जीरो पे दिखा रहा है वो तो कहाँ पे दिखा रहा है जीरो से दिखा रहे ठीक है हाँ पे दिखा रहे हैं जीरो पे मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड टच करेंगे तो जीरो दिखाएगा और राइट हैंड साइड टच करेंगे तो कितना दिखाएगा थर्टी अब आपको थर्टी दिखा रहा होगा ठीक है इसका मतलब ये सर्किट सही है अब मैंने देख रहा है यहाँ से फिफ्टी क्या किया रिमूव किया है कितना रिमूव किया है फिफ्टी पहले मैं इसको एक काम करता हूँ पहले मैं इसको थर्टी के लिए थर्टी फाइव के लिए करता हूँ ठीक है फिर फिफ्टी करूंगा फिर किसके लिए करूंगा सेवेंटी फाइव के लिए करूंगा तो पहले थर्टी फाइव के लिए मैं निकालता हूँ यहाँ से पहले बीस बीस दस तीस तीस पाँच पैंतीस ठीक है पहले मैं इनको थर्टी फाइव पर चेक करता हूँ कि कितनी मुझे लेंथ यहाँ पे मिलती है सो so, मैं इसको क्या करूँगा इसको आ, अब मुझे ना इसको एक वैल्यू पर सेट करना रहेगा गैलो मीटर को क्या करना रहेगा एक वैल्यू पे सेट करना रहेगा तो मैं रियो स्ट्रोड की हेल्प से मैं रियो स्टोड की हेल्प से क्या करूँगा गैलो मीटर को ना एक वैल्यू पे सेट कर दूँगा आप कोई भी एक वैल्यू सेट करते हो आपका नल पॉइंट होगा जैसे मैंने ट्वेंटी पे सेट कर दिया तो ट्वेंटी क्या रहेगा मेरा नल पॉइंट ठीक है तो मैं इसको रेजिस्टेंस बॉक्स इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ ठीक है और मैं इसको कितने पे सेट कर दे रहा हूँ ट्वेंटी पे ठीक है अब मेरा ट्वेंटी क्या रहेगा नल पॉइंट रहेगा ट्वेंटी क्या रहेगा मेरा नल पॉइंट तो मैंने किसकी हेल्प से सेट किया ये रिहोस्टोट की हेल्प से क्या कर दिया सेट कर दिया पहले जो नल पॉइंट था वो कितना होता था ज़ीरो होता था ठीक है अब मैं क्या करूँगा इस इस जॉकी को मूव करूँगा अब देख रहे हो जॉकी को मैंने यहाँ रखा तो देख रहे हो कहाँ दिखा रहा है गलोन मीटर कहाँ पर दिखा रहा है गैलोमीटर कहाँ पे दिखा रहा है गैलोमीटर पे आपको टेन फाइव पे दिखा रहा है लेकिन उसी सुई को मुझे कहाँ तक लेके जाना है उस सुई को मुझे ट्वेंटी तक लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा जॉकी को मूव करना स्टार्ट करूँगा अब आप देख रहे होंगे मैं जॉकी को क्या कर रहा हूँ मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे जैसे मैं जॉकी को मूव करूँगा तो आपको क्या दिखने लगेगा वहाँ पर हल्का हल्का फ्लक्चुएशन देखना शुरू हो जाएगा देख रहे हैं आप ये ट्वेंटी पे जा रहे हैं और जैसे ये ट्वेंटी पे जाएगा मैं क्या कर दूँगा स्टॉप कर दूँगा तो फिलहाल ये ट्वेंटी पे पहुँच चुका है फिलहाल ये ट्वेंटी पे क्या हो चुका है पहुंच चुका है और ट्वेंटी पे गया है तो इसकी जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है फिफ्टी फोर आ रही है फिफ्टी फोर आ रही है फाइव के लिए मेरी रीडिंग कितनी आ रही है फिफ्टी फोर अब मैं क्या करने वाला हूँ तो फ्रेंड्स मैं ऐसे फिफ्टी फाइव क्या करूँगा रिमूव करूंगा और फिफ्टी फाइव के लिए आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर में फिफ्टी फाइव के लिए आप देख रहे हैं गैलोनो मीटर में जो रीडिंग है वो कितनी दिखा रही है फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन दिखा रही तो सेवनटीन मेरा जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है मैं गैलोनो मीटर में देखता हूँ यहाँ पे ठीक है मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सेवनटीन आप देख रहे होंगे गैलोमीटर में रिफ्लेक्शन सो रहा होगा तो ये आ गया मेरा 16, 17. तो ये मेरा कितना आ रहा है फोर्टी सिक्स पे आ रहा है कितना आ रहा है मेरा फोर्टी सिक्स पे आ रहा है आप देख सकते हैं मेरा फोर्टी सिक्स पे कितना आ रहा है सेवनटीन आ रहा है मतलब ना जॉकी को क्या करना रहता है यहाँ से यहाँ तक लेके जाना रहता है और जो आप पहले यहाँ पे रीडिंग देखे रहते हैं उसको जो दिख रहा है आपको स्ट्रिप इसको उस लाइन पे क्या करना रहता है मैच करना रहता है जैसे आप वहाँ पे मैच करा देंगे वही आपकी क्या रहेगी नल पॉइंट का डिफ्लेक्शन रहेगा मतलब तो नल पॉइंट में तो वही आपके लिए ज़ीरो होता है ठीक है तो मेरा फिलहाल आ रहा है 47.5 कितना आ रहा है फोर्टी पॉइंट नहीं फोर्टी आ रहा है कितना आ रहा है मेरा फोर्टी तो सो फिफ्टी के लिए मुझे कितना मिल गया फोटी और एक और मैं रीडिंग निकालूंगा थर्ड वाली दैट इज एटी के लिए मैं निकालता हूँ तो मैं यहाँ से कितना रीडिंग रिमूव करूँगा ये मेरे पास फिफ्टी है फिफ्टी ये सिक्सटी सेवेंटी और ये कितना हो जाएगा एटी ठीक है फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी और ये कितना हो गया एटी तो एटी के लिए हम लोग देखेंगे कि कितना हमें रीडिंग मिल रहा है तो फिलहाल ये आप देख रहे होंगे यहाँ आप पे आपको मिल रहा है कितना फोर्टीन मिल रहा है ठीक है नल पॉइंट आपका कितना है फोर्टीन है जॉकी को क्या करना है थोड़ा डूबी अब मुझे जॉकी को क्या करना है ऐसे मूव करते हुए जाना है कब तक तो मूव करना है जब तक आपको फोर्टीन ना मिल जाए तो आप देख रहे हैं गैलोनोमीटर में अब आपको फोर्टीन मिलना क्या हो गया है स्टार्ट हो गया है ठीक है तो ये रहा आपको ये मिल गया आपको कितना फोर्टीन तो फोर्टीन मुझे कितना मिल रहा है फिलहाल यहाँ पे? फोर्टी पे मिल रहा है फोर्टी पे मुझे कितना मिल जा रहा है फोर्टीन तो आप ये लेंथ देख पा रहे होंगे ये लेंथ आपका कितना है फोर्टी और फोर्टी पे मुझे कितना मिल जा रहा है 4. तो एटी के लिए मुझे कितना मिल गया लेंथ फोर्टी मिल गया अब आपको फ्रेंड्स क्या निकालना होता है अब आपको निकालना होता है एल तो एल आप बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं जितना आपको एलेक्स के एल जी की, की वैल्यू मिली है उसको आप हंड्रेड से माइनस कीजिए आपको कितना मिल जाएगा एल मिल जाएगा ठीक है मैं तीन तीन ही वैल्यू निकाल रहा हूँ अब आपको क्या करना है कि गैलोनी को राइट गैप में कनेक्ट करना है ये राइट और लेफ्ट क्यों करते पता है आपको बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग मिल सके इसलिए लेफ्ट और राइट करते हैं ठीक है सो मैं क्या करता हूँ फैन बैटरी को बंद करूंगा और इसको लेफ्ट और इसको राइट right में क्या करूंगा कनेक्ट करूंगा तो मैं फ्रेंड्स लेफ्ट में कनेक्ट करूंगा और गैलोनो को कहाँ कनेक्ट करूंगा राइट right में कनेक्ट करूंगा और वैसे ही में तीन रीडिंग फिर निकालूंगा लूंगा ठीक है मीटर को मैं कहा कनेक्ट कर दे रहा यहां पर राइट में ठीक है अब मैं क्या करूँगा वापस पहले मैं फिफ्टी के लिए करूँगा यहाँ सॉरी पहले मैं करूँगा थर्टी फाइव के लिए ठीक है पहले मैं कितने के लिए करूँगा यहाँ पे थर्टी फाइव के लिए तो मैं यहाँ पे से ट्वेंटी निकाला हूँ ट्वेंटी ये हो जाएगा थर्टी और ये हो जाएगा थर्टी फाइव अब मैं क्या करूँगा की निकाल दूँगा ये चालू करूँगा यहाँ से ठीक है और चालू करूँगा तो वापस सप्लाई देने के लिए की को यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा अभी करंट सप्लाई यहाँ पर हो चुका है ठीक है सो मैं क्या मैं आपको ये ये कहाँ कनेक्ट right कर दिया ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स और वैलो को कहाँ कनेक्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड ठीक है मैंने रियल स्टोर की हेल्प से यहाँ पे नल पॉइंट सेट कर दिया दैट इज़ ट्वेंटी फाइव ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैंने थर्टी फाइव रिमूव किया है ठीक है थर्टी फाइव रजिस्टेंस को वेरी करूँगा मैं यहाँ पे रिमूव किया हूँ और अब देखता हूँ कि मेरी जो लेंथ है वो कितने पे आती है तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा जॉकी को यहाँ से मूव कराना स्टार्ट करूँगा और देख रहे हैं फिर नल डिफ्लेक्शन का पे दिखा रहा है यहाँ पे लेकिन कितने पे दिखाना चाहिए ट्वेंटी फाइव क्योंकि मैंने इसको ट्वेंटी फाइव पर क्या किया था रिहोस्ट की मदद से सेट किया था और जैसे जैसे मैं जॉकी को यहाँ से मूव करूँगा जैसे जैसे मैं जॉकी को यहाँ से मूव करूँगा ना तो आप क्या देखेंगे कि आपको गैलोमीटर में ना डिफ्लेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है देखिए दिख रहा है ना आपको देखिए वो ट्वेंटी फाइव पर धीरे धीरे इसी करके पहुँच जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव पे ठीक है मुझे फिफ्टी फोन पे कितना दिखा रहा है ट्वेंटी फाइव दिखा रहा है तो पहले जो मेरी रीडिंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी फिफ्टी फोर थर्टी फाइव के अब मैं दूसरी फाइंड आउट करूँगा मैं आज से फिफ्टी फाइव ले लेता हूँ ठीक है तो ये हो गया फिफ्टी ये हो गया फिफ्टी और ये हो गया फिफ्टी फाइव ठीक है फिफ्टी फाइव रिमूव किया है और यहाँ पर आपको गैलव में दिख रहा होगा ये कितना आ रहा है लगभग नाइनटीन आ रहा है ठीक है तो मैं जॉकी को क्या करूँगा जॉकी को क्या करूँगा ऐसा मूव करूंगा कि हमारा जो नल डिफ़्लेक्शन है वो 90 दिखाने लगे ठीक है क्योंकि अभी इस केस में क्या है नाइन्टी तो जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो आपको क्या दिखेगा आपको दिखेगा कि ये कितना है जीरो पे जा रहा है ठीक है दे? लेकिन जैसे मैं जॉकी को क्या करूँगा मूव करूँगा तो आपको दिख रहा है वो लाइन मूव होना शुरू हो गई है गैलोनोमीटर की तो मैंने कितना देखा था उसको नाइन्टी देखा था तो मुझे क्या करना रहेगा उसको नाइन्टी पे ले जाना रहेगा तो देख रहे हो अब ये फिलहाल नाइन्टी पे आ चुका है यार है मेरा फोर्टी फोर पे कितने पे तो आ, आ रहे मेरा फोर्टी फोर तो आपका फिफ्टी फाइव के लिए कितना आ रहा है फोर्टी फोर ठीक है अब लास्ट कर लेते एटी तो के लिए कितना आ रहा है तो एटी के लिए मैं आपसे 50, फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी और ये कितना हो गया एटी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी और कितना हो गया एटी तो एटी के लिए आप यहाँ पर डिफ्लेक्शन देख रहे हैं नल पॉइंट कितना है इसके लिए दैट इज़ फोटीन है कितना है फोटीन तो मुझे क्या आप इसको यहाँ से स्टार्ट करते हुए लेके जाना है और कब तक लेके जाना है जब तक मुझे रीडिंग कितनी ना मिल जाए फोर्टीन ना मिल जाए जाएगा क्योंकि नन पॉइंट हमारा कितना है उसके लिए फोर्टीन तो मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूंगा ठीक है और जैसे मुझे फोर्टीन मिल जाएगा अभी आपको देखना मिलना स्टार्ट हो गया ये ठीक है सो so, ये फोर्टीन है फिलहाल तो मेरी जो यहाँ पर रीडिंग आ, आ रही है वो कितनी आ रही है मेरी फोर्टी तो फोर्टी पे कितना आ जा रहा है मेरा फोर्टीन आ जा रहा है तो लास्ट जो मेरी एटी रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है फोर्टी आ रही है ठीक है सो फ्रेंड्स मैंने इसमें दोनों रीडिंग्स निकाले, लेफ्ट गैप में भी लगा के और राइट गैप में भी लगा के और मैंने इसको तो ट्रिक भी बताई कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं अब मुझे इसमें कैलकुलेशन करना है ठीक है मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है मैंने रीडिंग तो ले ली कैलकुलेशन भी आपको दिखा दूंगा ठीक है मेन बात यह कि आप वीडियो पूरा वॉच करते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर सपोर्ट दीजिए अपना और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाने लीजिए दूसरी चीज मैं इस चैनल के थ्रू आपको एग्जाम में भी बहुत सारी हेल्प करने वाला हूँ जिससे आपको एग्जाम में थर्टी आउट ऑफ थर्टी मार्क्स मिले वाई वाह जो भी चीज़ें क्वेश्चन पेपर कैसे क्या लिखना है सारी चीज़ें मैं आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ ठीक है सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली दैट इज 54 uh, 100 हंड्रेड माइनस फिफ्टी किया तो मुझे मिल गया 46 सिक्स हंड्रेड माइनस किया तो मुझे मिल गया 42 52 100 टू हंड्रेड माइनस किया तो मुझे मिल गया 60 अब आप जी की वैल्यू कैसे निकालोगे तो यहाँ पे एक मैंने कैलकुलेशन किया हुआ दैट इज आप देख रहे हैं जी इज इक्वस टू आर आर की वैल्यू मुझे कितनी मिली है थर्टी फाइव यहाँ पे थर्टी फाइव थर्टी फाइव एल जी अपन एल आर एल जी आपका ये है देख रहे हैं यहाँ पे और एल आर आपका ये फोर्टी सिक्स तो फिफ्टी फोर अपॉन आपको ये डिवाइड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है तो आप जैसे करेंगे आपको मिल जाएगा फोर्टी वन पॉइंट जीरो एट कितना मिल जाएगा आपको फोर्टी वन पॉइंट जीरो एट ठीक है वैसे ही आपको सेम इसके लिए भी करना है दूसरे के लिए भी जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आर एल जी अपन एल आर या ये आर है ये एल जी है ये एल आर है ठीक है तीसरे के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैंने मीन कैसे निकाला है फोर्टी एट पॉइंट वन वन सेवन कैसे आया है तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना रहता तो है तीनों को ऐड करके थ्री से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा फोर्टी एट पॉइंट वन सेवन अब यहाँ पे देखिए कि गैलोनोमीटर इन अ राइट गैप तो सेम वही मैंने किया था थर्टी फाइव फिफ्टी फाइव और एटी के लिए ठीक है आप ये एटी की जगह पे सिक्सटी रख के कर सकते हैं आपको बहुत ही एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग मिलती है ठीक है तो इसके लिए भी मुझे वही रीडिंग लगभग लग मिली थी फिफ्टी फोर फोर्टी फोर और फोर्टी मिला था एल आर कैसे निकालोगे हंड्रेड में से फिफ्टी फोर को माइनस कीजिए हंड्रेड में से फोर्टी फोर को माइनस कीजिए हंड्रेड में से फोर्टी को माइनस कीजिए आपको ये मिल जाएगा एल आर जी जी कैसे आर एल जी अपॉन एल आर यह आपका है जी सॉरी आपका है आर यह आपका है एल जी और यह आपका है एल आर आप इसको रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ऐसे दूसरे के लिए भी तीसरे के लिए आप कर सकते हैं मीन जी कैसे निकालोगे आप मीन जी के लिए क्या करना होगा आपको तीनों को ऐड करके ना थ्री से डिवाइड करना होगा दैट इज आपको मिल जाएगा फोर्टी फाइव पॉइंट एट एट यहाँ पे नेक्स्ट दिखाया था रेजिस्टेंस ऑफ द कैलोनामीटर जी इज इक्व टू मीन जी लेफ्ट गैप प्लस मीन जी ऑफ राइट गैप तो आपने यहाँ से देखा है आपने यहाँ से देखा है कि आपको लेफ्ट गैप के लिए मीन जी की वैल्यू मिली 48 और राइट गैप के लिए मीन जी की वैल्यू मिली 45 फाइव तो so, मुझे कुछ नहीं करना है यही दोनों को यहाँ पे पुट करना है देख रहे हैं ये फोर्टी एट पॉइंट वन सेवन प्लस फोर्टी फाइव पॉइंट एट एट ये दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट इसको से डिवाइड कर दिया मुझे मिल गया फोर्टी सेवन तो आपको ये रिजल्ट दिख रहा होगा यहाँ पे द रजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर जी के वैल्यू मुझे कितना मिल गया फोटी सेवन लेकिन शुरू में मैंने मीटर ब्रिज का यूज़ करके रजिस्टेंस गैलोरी मीटर का फाइंड आउट किया था तो मुझे फिफ्टी टू से फिफ्टी थ्री के करीबन दिखा रहा था तो ये बेसिकली एक फिजिक्स में थोड़े बहुत एरर आते हैं जो कि यहाँ पे मतलब एक्सेप्टेबल है ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स आपके नहीं डिडक्ट होंगे या फिर आपके यहाँ पे मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे इतने से कम एरर में ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि हमने जो गैलोरी था उसका अननोन रेजिस्टेंस मल्टीमीटर की हेल्प से किया था लेकिन हम इस कैलोनी मीटर का भी यूज़ करके हम उसके अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमें नहीं पता रहता स्मार्ट वर्क कैसे करना है मैंने वहाँ पे बताया कि आप ऐसे स्मार्ट वर्क करके ये रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं ठीक है सो फ्रेंड्स ये सब वीडियोस बनाने के लिए फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के इस पे सारे प्रैक्टिकल से ये वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स मुझे बहुत सारा मेहनत लगता है सो so आप मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए सो फ्रेंड्स आपने एक्सपेरिमेंट पूरा देखा जिसमें मैंने गैलोनोमीटर का रेजिटेंस फाइंड आउट किया बाई कन बी और ये बहुत हीजी एक्सपेरिमेंट है मतलब ये चुटकी वाला एक्सपेरिमेंट आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये तो एक्सपेरिमेंट बहुत इजी था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया और सारी कैलकुलेशन भी आपको दी हुई है फ्रेंड्स उस पर इलेवन ट्वेल्थ से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट है ठीक है आप चाहिए उसको चेकआउट कीजिए इस चैनल को भी जरूर सपोर्ट दीजिए क्योंकि आपका एक सपोर्ट काफी मायने रखता है मेरे लिए सो आप अपने दोस्तों के साथ और बहुत ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ए टू जेड प्रैक्टिकल थैंक यू